फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अवर यूट्यूब चैनल नेम इज मुनि एजुकेशन। आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। हियर यू विल गेट ऑल द मटेरियल ऑफ स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आल्सो सीबीएसई बोर्ड्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पर आज जो हम लोग लेसन जो हमारा पार्ट वन में रह गया था वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द थीफ स्टोरी, जो कि क्लास 10 का लेसन नंबर 1.2 है, इंग्लिश मीडियम का। तो आइए हम वो कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले जो पिछला जो है वो उसका थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक हरि सिंह और दूसरा अनिल। जो हरि सिंह है वो अनिल के घर में चोरी करने के लिए आया है और अनिल ने उनको एक तरीके से काम पे रख दिया है, वो है खाना पकाने का काम और घर संभालने का काम। एक महीने से हरि सिंह उनके घर में है और वो मौका देख रहा है कि कभी वो चोरी करे। और अनिल थोड़ा केयरलेस आदमी है और उनको सैलरी रेगुलर नहीं आ रही है, और जब भी उनको सैलरी आती है तो बहुत बड़ी आती है, क्योंकि उन्होंने मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा है और उसका पेमेंट उनको मिला है, और एक बुक भी उन्होंने पब्लिश की है जिसका बड़ा सा पेमेंट उसको मिला है, और वो पैसे सारे मैट्रेस के नीचे छुपे हुए, जो कि हरि सिंह को ऑलरेडी पता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। कौन बोल रहा है? चोर बोल रहा है। उन्होंने थोड़ी मेहनत की। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपने आप को बोल दिया कि चोरी करने की जो स्किल है, जो कला है, वो जैसे कि चली गई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। उनको ये भी पता है कि अगर ये पैसे मैंने नहीं चुराए तो क्या होने वाला है, वो उनके दोस्तों पे ये सारे पैसे लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और दूसरी बात ये भी है, ये एक महीना हो गया मेरा पेमेंट भी नहीं आया है। नेक्स्ट, अनिल वॉज अस्लीप। अभी अनिल यहां पर सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर माई बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। ओके, एक प्रकाश जैसे कि मेरे ऊपर आया, बालकनी से होकर मेरे ऊपर आया। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया क्योंकि वहीं पर सो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ, इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लूंगा, आई कुड कैच द ट्रेन एट 10:30, 10:30 बजे की ट्रेन थी, वो मैं पकड़ सकता हूं आराम से, मतलब चोरी करके भागने का पूरा मौका है। टू लखनऊ, लखनऊ चला जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से मैं बाहर आया। आई क्रेप्ट अप द बेड, वो बेड के अंदर, मैं बेड के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल वो बहुत आराम से गहरी नींद में वो सो गया था, पीसफुली मतलब शांति से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। अनलाइंड मतलब शोइंग नो साइन ऑफ वरी। अगर जब तुम टेंशन में रहते हैं तो ऐसे करते हैं तो यहाँ पर ऐसी लाइन आ जाती है, पर टेंशन नहीं रहता है तो वो लाइन नहीं होती। तो वैसे ही वो उनके चेहरे पर कोई भी लाइन नहीं थी क्योंकि टेंशन ही नहीं था, पैसे आ गए थे, सब कुछ अच्छा था। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स थे क्योंकि मैं टेंशन में था, क्योंकि मैं चोरी करने के लिए जा रहा था। कौन बात कर रहा है? हरि सिंह। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। ओके, वो चिंता के भी लाइन नहीं थे पर वो स्कार्स थे। स्कार्स मतलब घाव, जखम उनके चेहरे पे जा, शायद बहुत मार पड़ी है उनको। ऑफकोर्स चोर होकर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। नेक्स्ट, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे मैंने डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे मैंने इधर उधर ढूंढे। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे मिले, आई ड्रू देम आउट, मैंने उसको निकाल दिया विदाउट अ साउंड, एक आवाज भी नहीं आई। अनिल साइड, अनिल ने थोड़ी आवाज की, नींद में जब आवाज करते हैं ना ऐसा कुछ आवाज करते हैं, वैसी आवाज की। इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो टर्न होकर हरि सिंह के साइड पे चला गया टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल आउट टू द रूम। ओके, मैं डर गया और तुरंत ही वो पैसे लेकर मैं रूम के बाहर भाग गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, ओके नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने पैसे सब ये मेरी कमर के ऊपर बांध दिए थे, छुपा दिए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, जिसको हम लोग नाला बोलते हैं, नाले से उन्होंने पैसे बांध दिए थे, पायजामे के अंदर फिट कर दिए थे। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर मैं दौड़ते दौड़ते एक समय पर रुक गया और धीरे धीरे चल रहा हूँ, और फिर नोट जो थी वो गिनती करना चालू कर दिया। पता चला कि वहां पर कितने पैसे है, 600 रुपीज, वहां पर 600 रुपए है इन 50s, 50-50 की नोट थी, मतलब 12 नोट्स वहां पर मिली। I could live like a oil rich Arab, okay? अभी oil rich Arab for a week or two, मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा अमीर हम लोग अभी दुनिया में देखते हैं तो जिनके पास ऑयल कुआ रहता है
और उनके पास पैसे बहुत आते हैं, तो उन लोगों के जैसे मैं रिच फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही थी, किसके अंदर, हरी सिंह के अंदर। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस के पास गया नहीं क्योंकि वो तो आदत है ही नहीं उनको कि टिकट लेकर ट्रेन में बैठना। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, लाइफ में कभी टिकट नहीं लिया था, बहुत ही प्रोफेशनल चोर है। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी। फिर क्या हुआ, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू द कैरियज, और ट्रेन अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी, मतलब मैं गाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठ सकता था। पर क्या हुआ, बट आई हेजिटेटेड, पर मुझे एक प्रकार की रुकावट आ गई, पता नहीं क्या हो गया, शायद उनको रियलाइज हो गया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। आगे देखते, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मतलब ऐसी एक फीलिंग आ गई जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। आगे क्या हुआ, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो ट्रेन निकल गई और भागने का जो चांस था वो भी चला गया। नेक्स्ट, When the train had gone, अभी ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, और वहां पर प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला खड़ा हूँ। याद करो, रात की ट्रेन है, लास्ट जो ट्रेन होती है, और फिर उसके बाद सभी लोग चले गए और मैं वहां पर अकेला खड़ा हूँ। फिर क्या हुआ, I had no idea where to spend that night, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये नाइट कहाँ पर स्पेंड करूँ। I had no friends, friends नहीं थे, believing that friends were more trouble than help, अभी चोर लोगों के लिए friends का होना बहुत प्रॉब्लम का काम, क्योंकि जो फ्रेंड्स लोग हैं वो मदद करने से ज्यादा ट्रबल ज्यादा करते हैं। उन लोगों के प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में दोस्त होने चाहिए, पर उनके प्रोफेशन में उनके दोस्त थे ही नहीं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वहां पर स्टेशन के पास जो होटल जो थी वहां पर रहकर मुझे लोगों की क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ानी थी कि ये बंदा कहाँ से आया, किधर जा रहा है, क्या किया होगा, उसके पास पैसे किधर से आए, वो सब वो लोग सोचने लगेंगे, इसलिए मुझे होटल के पास भी नहीं रहना था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब, एक ही बंदे को मैं अच्छी तरह से जानता था, और वो कौन सा था, जिसके घर पे मैंने चोरी की थी। मतलब एक प्रकार का अभी बदलाव उसके अंदर आ रहा है। देखते आगे, लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार में से मैं धीरे धीरे जा रहा था। नेक्स्ट, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, करियर के मेरे करियर में मैंने देखा, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। ओके, मैंने ये एक स्टडी किया, एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब लोगों के घर में चोरी होती है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। फिर क्या हुआ, द ग्रीडी मैन शोड फियर, अगर वो आदमी ग्रीडी रहता है, लालची रहता है, तो उसको डर लगने लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर रहता है तो उनके घर में चोरी होती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है परमेश्वर की मर्जी थी, भगवान ने चाहा, इसलिए उनके पैसे थे, वो आए और चले गए, ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर मुझे पता था कि अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि उनके घर में चोरी हुई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, बस उनको थोड़ा सा दुख होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्यों, कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उनको पैसे गुम होने का तो बिल्कुल भी दुख नहीं होने वाला, पर उनका जो विश्वासघात जो हुआ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो दुख होगा। नेक्स्ट, पेज नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोग आगे देखेंगे जो कि हमारा लास्ट पेज है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अभी यहाँ पर ये जो वर्ड है मैदान वो हिंदी वर्ड है, इसलिए यहाँ पर इटालिक में लिखा है, और मैदान जो हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, वहां पर एक बेंच थी उसके ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वहां पर बहुत ठंडी हवाएं बह रही थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर में हम लोगों को पता है ठंडी रहती है, और हम लोग मसूरी की बात करें जो कि नॉर्दर्न पार्ट में आता है, वहां पर बर्फ भी गिरती है, ठीक है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड माई डिस्कम्फर्ट, ओके, और वहां पर ड्रिजल का मीनिंग होता है बारिश की जो शुरुआत हो जाती है, हैवी डाउनपोर नहीं, बड़ी बड़ी बूंदे नहीं, पर छोटी छोटी बूंदे गिरती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल, उसकी वजह से उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से भीग गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, फिर उसके बाद हैवी रेन भी चालू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा वॉज स्टक टू माई स्किन, और मेरा जो शर्ट था और जो मेरा पायजामा था वो मेरी स्किन के साथ टच हो गया था, और जब बारिश में ये फीलिंग आती है
जो तुमने कपड़े पहने होते हैं और पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और उस स्किन को टच करते हैं तो बहुत ठंडी लगती है, इसलिए हम लोग ऐसे पकड़ के घूमते हैं, टच हो जाते हैं तो बहुत ठंडी लगती है। एंड आई एंड अ कूल कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, और उसके ऊपर से ठंडी हवा भी आ रही है तो बहुत ठंडी लग रही, ये डिस्कम्फर्ट उनको हो रहा था। कुछ लोग अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश के टाइम पे हमारे कैसे हाल होते हैं। नेक्स्ट, आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर मैं बाजार में गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। जनरली टाउन सिटी रहती है तो वहां पर हर एक जगह पर एक क्लॉक टावर रहता है, एक टावर जैसा जिसके ऊपर घड़ी रहती है, वहां पर जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अभी टाइम क्या हो गया था, मिडनाइट मतलब रात के 12 बज गए थे। ठीक है, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, ओके, मैंने जो नोट्स थे वो देखे, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो देखा कि डैम्प हो गए थे, मतलब पूरे पानी के अंदर भीग गए थे, सोक उसके अंदर हो गए थे, मतलब जितने भी पैसे चोरी किए थे सब भीग गए। अनिल्स मनी, मैंने कहा कि अरे ये तो अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, शायद वो सुबह में उठता तो मुझे 2-3 rupees देता और बोलता कि जाओ मूवी देख कर आओ, पर अभी तो ऐसा भी नहीं कर सकता, मतलब अभी सोचने लगता है कि अनिल के घर पे रहता तो क्या हो सकता था ये पैसों का। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर ये सारे पैसे भी मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उनका उनके लिए खाना भी नहीं पका सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइड होल सेंटेंस, मैं बाजार भी उनके लिए नहीं जा सकता, या तो वो मुझे कभी सिखाएगा भी नहीं जो उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे सेंटेंस बनाना सिखाएगा। नेक्स्ट, मतलब अभी ये जो फीलिंग जो आ रही है ना, वो एक प्रकार का बदलाव है, जो चोर के जीवन में बदलाव आ रहा है। ठीक है, I had forgotten about them in the excitement of the theft. ये सारी बातें मैं भूल गया था, क्यों? क्योंकि एक excitement थी। कौन सी excitement? चोरी करने की excitement। फिर क्या हुआ? Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। अगर मैं पूरी तरह से sentence बनाना सीख गया तो मुझे पता है कि ये जो पढ़ना लिखना है एक दिन मुझे ये जो पैसे हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे दे सकता है, वो सब मैं भूल गया। It was a simple matter to स्टिल, पर मुझे सिर्फ एक ही बात याद रहती थी कि चोरी करना। एंड सम टाइम जस्ट एज ए सिंपल टू बी कॉट, और सम कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, वो डर भी सताता है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, पर अगर मुझे सही में बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, समझदार और जिसकी रिस्पेक्ट है, अगर मुझे ऐसा आदमी बनना है वो समथिंग एल्स, वो कुछ और तरीके से ही आ सकता है, और वो कौन सा है? पढ़ना लिखना, नहीं कि चोरी करना। I should go back to Anil। इसलिए मुझे realize हो गया कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। I told myself if only to learn and read and write। मैंने अपने आप को बोल दिया कि मैं अनिल के पास वापस जाऊं, अगर वो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखने के लिए जो मुझे सिखाने वाला है उसके लिए भी हो तो चलेगा, मैं उनके पास जाऊंगा, तो सैलरी नहीं मिलेगी तो चलेगा, पर पढ़ना लिखना मुझे सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर उसने क्या किया? I hurried back, जल्दी से वो चला गया, to the room feeling very nervous, एक ऐसे रूम में चला गया जहां पर वो नर्वस फील कर रहा था। For it is much easier to steal something than to return it undetected। Okay, अभी किसी के पास से चोरी करना बहुत आसान है, और सबसे डिफिकल्ट क्या है कि वही पैसे वापस वही जगह पर रखना, और ऐसी हालत में रखना कि उनको पता ना चले कि ये पैसे किसी ने छुए हैं, वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट। I opened the door quietly, मैंने दरवाजा जो है धीरे से खोला। Then stood in the doorway, दरवाजे पे ही खड़ा रहा। In a clouded midnight, रात हो गई थी, बहुत बादल भी थे। Anil was still asleep, वो अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed, okay? जो बेड की जो सर की जो साइड थी वो साइड पे मैं गया। In my hand came up with the notes, और मेरे हाथ में मैंने पैसे निकाले। I felt his breath. अभी वो सर के साइड पे था तो जो सांस ले रहा था उनको फील हो रही थी, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पे। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए तो मैं सोचने लगा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस का जो किनारा हो किनारा जो था उसके पास चला गया। एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट, और फिर वो मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे चला गया। नेक्स्ट, व्हाट हैपन, I awoke late next morning, मतलब पैसे उन्होंने रख दिए वहां पर आसानी से। फिर दूसरे दिन सुबह में जब वो उठा, to find that Anil had already made the tea, देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दिया है। He stretched out his hand towards me, और उन्होंने उनका हाथ मेरी ओर किया, और क्या बोला?
देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उनकी फिंगर के अंदर 50 रुपए का नोट था. माई हार्ट सेंक, मतलब मुझे थोड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ. क्यों? आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि चोरी पकड़ी गई. हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब मेरा पता चल गया. I made some money yesterday. मैंने थोड़े बहुत पैसे कल बनाए थे. किसने बताया? अनिल ने बताया. Now you will be paid regularly. और तुमको अभी सैलरी हर महीने मिलती रही. My spirit rose. फिर मेरा जो आत्मा है वो उत्तेजित हो गया. मतलब यहाँ पर ये नहीं है, मीनिंग ये है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया. बट वेन आई टुक द नोट्स, पर जब मैंने वो पैसे लिए, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द मिड नाइट रेट. पर जो पैसे जब हाथ में लिए तो मुझे पता चला कि रात की जो नींद बारिश हुई थी उसमें पूरे पैसे भीगे हुए, तो ये नोट जो उनको मिली वो भी भीग गई थी. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ओके. और उन्होंने कहा कि आज से हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे. ही सेड ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. ही न्यू मतलब उनको पता था कि रात को हरि सिंह आया था, पैसे उसने चुराए और वो लेकर भाग गया. सब कुछ जानता पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया. आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं भी अनिल की ओर स्माइल दे रहा था. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और उनकी ओर से भी स्माइल बिना एफर्ट किए वापिस मुझे मिल गई. मतलब अनिल, जो अनिल है उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि जो बुराई है उसके सामने भी अच्छाई करके उसको बदलने का प्रयत्न किया. उन्होंने देखा कि ये चोर है, चोरी करना चाहता है, उनको पता चल गया, पर फिर भी उसने उनको रोका नहीं क्योंकि वो प्रयत्न करना चाहता था कि मैं अच्छाई से उसके ऊपर विजय पाना चाहता. और बिल्कुल वैसा ही हुआ. जो उनका बिहेवियर उनके प्रति था अनिल का, और उनका जो जो रवैया उनके प्रति था, उसकी वजह से क्या हो गया कि हरि सिंह को टोटली रियलाइज हो गया कि नहीं, मुझे मदद एक्चुअली अनिल के पास से मिल सकती है, वही मेरे बारे में भला सोच सकता है. इसलिए चोरी करने के बावजूद भी वो वहां पर वापस आए और उनका पूरी तरह से परिवर्तन हो गया. अगर ये स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाए तो हम लोग देख सकते हैं कि हरि सिंह अभी एक अच्छा आदमी बन गया है, उन्होंने अपना रियल नेम भी बता दिया होगा, और अनिल और हरि सिंह दोनों भी साथ में रहते हैं. पता नहीं उसका रियल नेम क्या होगा, पर अभी दोनों भी अच्छी तरह से जीवन जी रहे. ऐसा कुछ एंड आगे आके आ सकता है. तो ये स्टोरी में बस इतना ही. बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को ये स्टोरी में से सीखने को मिलती है, और रस्किन बॉन्ड ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. तो यही वीडियो को आप 2-3 बार भी देखोगे, ये पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय बाय.